फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई मोदी जी जो हैं फ्रांस पहुंच गए हैं, तो मोदी जी की फ्रांस विजिट हम देखेंगे। कह रहे मोदी मैक्रॉन की मुलाकात चाइना पाकिस्तान को लगेगा झटका लगेगा। उनको तो तब से लगा होगा जब से उन्होंने न्यूज सुनी होगी कि वो जा ही रहे हैं, बहुत झटके लग रहे हैं। तो अब तो कमाल होने वाला है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पता है मैं क्या सोच रही हूँ कि कहाँ पाकिस्तान का बुरे हालात हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है कि जो चाइना है वो पूरे वर्ल्ड से अलग होता जा रहा है, और कहाँ इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड जो है वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया उनके साथ दोस्ती कर ले। कितना डिफरेंस है, ये होता है कमाल। चलो शुरू करें। मोदी 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस में है। पीएम मोदी 13-14 जुलाई को फ्रांस में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे 13 जुलाई को फ्रांस के पेरिस पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर बेस्ट में पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी का वेस्टर्न डे परेड में आना ये अपने आप में एक खास मौका हो जाता है, जब भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल मना रहे होते हैं। क्योंकि 1998 में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी पर मुहर लगी थी, और उसके 25 साल यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। साथ ही जी वेट कर रही थी, देखा है मोदी जी निकले नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात प्राइवेट डिनर में पीएम मोदी शामिल होंगे, कई द्विपक्षीय वार्ता होगी, और इन वार्ता के बीच में सबसे खास जो ध्यान रहेगा वो डिफेंस सेक्टर को लेकर रहेगा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है राफेल मरीन को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है, और साथ ही स्पेस के सेक्टर में भी और तकनीक के सेक्टर में भी कई अहम समझौते हो सकते हैं। पिछली बार खबर आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी फ्रांस दौरे पर है और उनके स्वागत के लिए फ्रांस पूरी तरह से तैयार है। 13 और 14 गए थे तो पीएम मोदी राजधानी पल पल की जानकारी ग्राउंड जीरो से जी न्यूज आपको पहुंचा रहा है विशाल पांडे मेरे सहयोगी। कम रुक करेंगे विशाल, दर्शकों को सबसे पहले तो ये समझाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, और ये दौरा किन मायनों में खास? सिक्योरिटी निकली है, पहले सिक्योरिटी चेक कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पेरिस पहुंच चुके हैं, और पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे अपने इस होटल पर पहुंचेंगे, जहां भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत करेंगे। 3-4 लोग पहले आ चुके हैं, दिखाता हूं कुछ लोग उसके बाद मौजूद है, क्योंकि पीएम को आने में थोड़ा वक्त है। और इसके ये देखा जो हमने देखा था, जो वेट कर रहे हैं इंडियन कम्युनिटी, ये भी हमने देख लिया, देख लेना दूसरे चैनल के बाहर मौजूद है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के वो लेडी है जिसके पास मेडल, वो शायद वहाँ पे अभी भरेंगे, अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। ये मुलाकात रात 8:45 पर है, और पूरा टाइम था कब निकलना था मोदी जी ने। भारतीय मूल के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में संबोधित करेंगे, और उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में प्राइवेट डिनर का आयोजन रखा गया है। उस समय भारत में रात के 12:30 बज रहे होंगे, और पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम पेरिस में आज यही मोदी जी आ रहे हैं। पहले 4 बंदा जा चुके हैं, टाइम है तो उस टाइम पे, और 25 साल इस साल पूरे हुए हैं रणनीतिक साझेदारी को लेकर, और डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से भारत और फ्रांस एक दूसरे के बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं, उसी का एक नया प्रारूप, एक नया अध्याय हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में दिखाई पड़ेगा। काफी देर से वेट कर रही थी, और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी, उस समय राफेल अब आगे मोदी जी को जाने देना चाहिए उधर से। गलती करती, अभी देखना गलती करेगी। ये देखो मोदी जी को उधर जाना था, गलत बोल दिया, गलत बोल दिया, क्योंकि मोदी जी को उधर जाना था। इसके साथ ही तकनीक के क्षेत्र में भी कई अहम समझौते, मोदी को पूरा रिपीट करना पड़ेगा, मोदी जी को आगे जाना, देखो उल्टा होएगा, इसमें कई अहम समझौते होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6ठा फ्रांस दौरा होगा। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल जिसे राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित किया जाता है फ्रांस में, उसमें पीएम मोदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर भारतीय सशस्त्र सेना की 3 टुकड़ियां इस परेड में हिस्सा लेंगी, जिसके रिहर्सल की तस्वीरें भी हमने लगातार यहाँ से देखी है। राफेल यहाँ पर फ्रांस के आसमान में करतब दिखाता हुआ, उसका
का भी यहाँ पर प्रदर्शन होगा और इस परेड में हिस्सा ले रहे होंगे। अगर हम पिछले कुछ इतिहास के पन्नों को देखें तो मैं नोट करती हूँ 2009 में ये समझ नहीं पाए कि भैया मोदी जी को उधर ही होना पड़ेगा जब गार्ड ऑफ ऑनर उधर होगा, पर मैंने किया। अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा, जहाँ पर उन्हें स्टेट ऑफिशियल विजिट पर बाइडेन ने बुलाया था और पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर बंद परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। ये अपने आप में खड़ी थी, इसका मतलब जैसे दरवाजे बंद थे तब से खड़ी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत टाइम तक खड़ी होंगी, इसका मतलब बहुत टाइम लगता है दरवाजे खोलने में, वो आएगा चेकिंग करने वाला आएगा, फिर मोदी जी आएंगे। सारे कैमरे वाले इधर खड़े होते हैं। अच्छा धूप ज्यादा नहीं है, ये जो बैठ खड़े हैं ना यहाँ पे इनकी टोपी पे नहीं वो लगा हुआ देखा है, बाकी सबकी टोपी पर इनकी टोपी ज्यादा बड़ी और ऊंची लगती है उसके लगाने से, इनकी स्पेशल टोपी तो जैसे जैसे पोजीशन हाई होती है टोपी का पंख कम होता जाता है क्या। एयरपोर्ट ही सजी है इनका। सीधी तस्वीर इस वक्त पेरिस से आप देख रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो 13 और 14 जुलाई को जो पीएम मोदी राजधानी पेरिस में होंगे तो वो उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे जो रणनीतिक साझेदारी से जुड़ी हुई है। और देखिए फ्रांस की धरती पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से भव्य स्वागत किया गया, भारत का राष्ट्रगान हमने सुना, खास तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा इस बार कई मायनों में महत्वपूर्ण है, नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे दोनों देशों के रिश्ते और वो कैसे उसके लिए सीधा मैं एक बार फिर से विशाल कर आया मजा, जितनी बारी देखो उतनी बारी मजा आता है, इसको 10 बारी भी देख सकते हो आप बोर नहीं होगे। और अमेजिंग है द वेलकम दैट मोदी जी इज गेटिंग, इट इज जस्ट अमेजिंग। एंड मोदी जी का कॉन्फिडेंस, मोदी जी को जो जिस तरह से उनको पहले से पता है कि किस साइड चलना है किस साइड नहीं, जैसे मैं पहले बोल और ये मुझे पता नहीं कितने लोग स्पॉट कर पाएंगे कि क्या? पहले जो है मोदी जी को गलत डायरेक्शन पे ले जा रहे थे, फिर मोदी जी ने करेक्ट किया पूरा और फिर दोबारा सही डायरेक्शन से। ये मैंने पता किया सबसे पहले, मैंने बोला इन्होंने भी नहीं बोला, आप लोगों ने भी नहीं बोला और किसी ने नहीं बोला, अब लोगों को नोटिस करेंगे कि भैया वाकई दिस इज मी, क्रेडिट गोज टू मी, क्योंकि उन्होंने एक में दिखा दिया था कि मोदी जी वहां जाके वापस टर्न करके आ रहे हैं। अमेजिंग था, मगर बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही बढ़िया, उन्होंने वेलकम भी बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने किया। और जो इनकी प्राइम मिनिस्टर थी वो खास मोदी जी के लिए बहुत टाइम से खड़ी थी, जब तो प्लेन उतरा रुका हुआ है अभी दरवाजा तक नहीं खुला हुआ था, वो तब से वेट कर रही थी। और एक गाड़ी जो है मोदी जी के साथ हमेशा जा रही थी, वो नहीं समझ में आ रहा कि दूसरी तरफ क्यों जाती है, अगर पता हो तो जरूर बताना वो क्यों पीछे पीछे जा रही है, क्या वो कुछ जैम करने के लिए जाती है कि साथ साथ कुछ जैम होता जाए, पर वो समझ नहीं आया कि इतना डिस्टेंस क्यों चाहिए, सिक्योरिटी के लिए भी समझ नहीं आया किस टाइप से, वो ब्लॉक करने के लिए क्या, उस साइड के एरिया से ब्लॉक करने के लिए वहां पे जो लोग हैं, बताना है वजह क्या है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।